मेरा फोन टूट गया है कि जल्दबाजी का जो काम होता है वो शैतान का होता है। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ अपना डेली रूटीन, जो मतलब मेरा मेन बेसिक रूटीन होता है। जो बीच में मैंने जो व्लॉग डाला उसे इग्नोर कर देना, क्योंकि ये बीच का ऐसा फेस मेरी लाइफ में आता है, क्योंकि आपको पता था मैं जम्मू गई हुई थी, वहाँ से घूमी घूमी मतलब लगभग 20 दिन मैं जिम गई ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो फिर मैं जो 2 दिन घर पे थी बस सोई ही थी, लेटी रहती थी ऑल द टाइम। तो अब मतलब मैं हो चुकी हूँ रेडी जिम के लिए, क्योंकि बॉडी का ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी, मैं 2 दिन रेस्ट पर थी। सो अब वो हो चुका है, तो अब मैं आज जिम वापस जा रही हूँ मतलब हाँ। तो अभी 6 बज रहे हैं, मैं 5:30 बजे उठी थी। क्या लगता है मेरी शक्ल देख के यार, मैं सोई नहीं हूँ मतलब मैं रात भर से सोई नहीं, मैंने बहुत ट्राई किया बट मुझे नींद नहीं आई, आई डोंट नो व्हाई बट नहीं आई यार। तो फिर अब 6 बजे मतलब जिम जाती हूँ मैं, 6:30 बजे निकलती हूँ घर से। तो मैं रेडी हो लेती हूँ, मैंने अपना आउटफिट निकाल लिया जिम के लिए, मैंने डिसाइड पहले से ही कर रखा था कि आज मैं क्या पहन के जाऊँगी। तो एलेक्स को खाना भी मैंने दे दिया है, तो अब मैं थोड़ा खुद पे गौर फरमाती हूँ। सो एलेक्स ने खाना खा लिया, अभी यहाँ पे यूँ ऐसे लटक रही है। सो जो मेरा आउटफिट है वो है, ये रहा मेरा आउटफिट। एंड बेडशीट पे ज़्यादा गौर मत फरमाना, क्योंकि मैं अभी सोई हुई मतलब अभी उठी हूँ, तो उसकी हालत दैट्स वाई ऐसी हो रखी है। सो तड़ा मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने ये पहना है, होप सो कि अच्छा ही लग रहा हूँ। तो अब मैं मुँह को धो लेती हूँ, ब्रश वगैरह कर लेती हूँ, निकलती हूँ। मैं तेरा बना रही थी, सानिया स्कूल के लिए लेट हो रही है और मैं जिम के लिए लेट हो रही हूँ। इसने चक मारे मेरे को, गवा आप लोग एक नई शौक से। मैं भी लेट हो रही हूँ, ठीक है, तो इतना वेली नहीं हूँ मैं, वैसे वेली तो हूँ। अगर तूने ये सब किया अल्लाह के, सब मम्मा से हकीकत समझा लो। ब्लॉगर लाइफ वी लाइक, सिंपल सा फंडा रहता है मेरा, ना बालों में कंघा करती हूँ मैं, ना मुंह धोती हूँ ढंग से, बस लड़कों वाला सीन है मेरा भी। बस क्या करती हूँ, भात में पानी लिया, मुंह पे मारा और टॉल से मुंह साफ करके इनफ, ठीक है। तो शूज़ वाइट पहनने की बहुत चाहत थी, और उसके पहनती तो बहुत अच्छे भी लगते, बट बदकिस्मती से जो मेरे वाइट शूज़ हैं ना, वो इतने गंदे हैं, इतने गंदे हैं, इतने गंदे हैं, हद से ज़्यादा बता नहीं सकती। और हाँ, मुझे धोते हुए मौत आती है। सो दिस इज़ माई फूड फेयर। भाई बच्चा, चप्पलों के बीच बैठ के क्या कर रहे हो बच्चा? सुंदरी मुंदरी घर से मुँह निकल गई, मैं जा रही हूँ तेज तेज क्योंकि लेट हो गया। मैं पता नहीं क्या करने लगी थी, याद नहीं आ रहा। तो हाँ, मेरे डैड को खाना वाना डालने में मैं और अपने कपड़े ढूंढने में थोड़ा सा व्यस्त हो चुकी थी, इसकी वजह से मेरा थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया। सो 6:30 कप के हो चुके हैं, मैं जल्दी से पहुंचती हूँ, अभी मैं रास्ते में हूँ। ये रहा रास्ता जो होता डेली का, सॉरी कैमरे है मेरा होता रहा था, थोड़ा सा भागते हैं। छी छी छी, क्या सोच लो, ओह शिट बच गया, थैंक गॉड। ऐसे देख के लगता ना कितनी हरियाली है नहीं, बट ये बड़ी गंदी हरियाली है। सो मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, वो ये थी कि आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ, मेरे ब्लॉग्स क्यों नहीं आए? चुप हो जाती हूँ तब। सो मैं कहती हूँ आपको पता है क्या हुआ, मेरे ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि मेरा फ़ोन टूट गया था यार। सो मैंने
दूसरा 13 प्रो मैक्स लिया था, वो भी मेरे जब मैं जम्मू से आ रही थी तो मैं लॉक लगा रही थी, तो लॉक लगाते लगाते वो मेरे हाथ से स्लिप हुआ, फ़ोन गिर गया। और पता नहीं क्या हुआ यार, उसका डिस्प्ले टूट गया। मतलब बाहर से ठीक था, अंदर से उसको वाइट लाइंस आ गई और डिस्प्ले उसकी काम नहीं कर रही थी। फिर वेट किया एक दिन और वहाँ पे जम्मू में, और मैंने न्यू फ़ोन लिया दना के वापस। तो ये इंसिडेंस हुआ मेरे साथ, पता नहीं कैसे कोई ये कोई ग्रेन वाला महीना चल रहा है, मुझ पर नुकसान ही नुकसान हुए जा रहे हैं। तो चलो पहुँच गई मैं। किसी ने सही कहा कि जल्दबाजी का जो काम होता है वो शैतान का होता है। मैं कितनी तेज़ भागते भागते यहाँ से गई और मुझे इतनी ज़्यादा सांस भी चढ़ गई, बट स्टिल मैं अपने बर्ड्स घर भूल गई जिन्हें मैं लेने के लिए वापस आ गई। म्यूजिक लगा के ना बर्ड्स में, या आपके पास हेडफोन्स है लगा के जिम जो करता ना, मना एक अलग सा ही मोटिवेशन आता है। तो मैं काफ़ी दिन बाद जिम जा रही हूँ तो मेरे लिए बर्ड्स जरूरी है। पहुँच गई मैं घर के बाहर, बर्ड्स ले लेती हूँ। तो क्या कर रही है, दो चोटियाँ म्यूजिक लगा के, दो चोटियाँ ही होती हैं स्कूल के बच्चे। म्यूजिक इनने लगाया हुआ है और तैयार भी हो रहे हो स्कूल के लिए। वाओ, ये रहे मेरे बर्ड्स जिन्हें मैं चार्ज लगाया था। मैंने निकलाई मैं घर से बाहर। सो आज के दिन की शुरुआत बहुत ख़राब हुई है, मतलब अच्छी भी हुई है ख़राब भी हुई है। अब देखते हैं किसका असर रहता है पूरे दिन में, अच्छे वाले टाइम का या बुरे वाले टाइम का। बुरे वाले टाइम ये था कि मेरे को दो चक्कर लग गए, अच्छा वाला टाइम ये था कि जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी और अभी मैं हूँ। सो मैं मेरा टाइम वेस्ट करे जल्दी से पहुँच जाती हूँ। तो जिम जाने के लिए मैं काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, तो यहाँ के रास्ते की हालत भी कुछ ख़राब हो रखी है आजकल। उप्स, गिरने वाली थी मैं। तो अभी आपने देखा, अभी ये देखिए तो बहुत ऊपर तक है। मतलब घर से मैं सफ़र तय करके आई ऊपर तक, फिर वहाँ से वापस गई और तो यहाँ से चल के ऊपर जाना। और ये सीढ़ियाँ 100 से भी ज़्यादा होंगी, मतलब आधा वर्कआउट तो मेरा रास्ते में ही हो जाता है जिम जाते। Thank you.
निकल आए हैं, अब हम रवाना हुए हैं घर की ओर। ऐसा लग रहा है कि गाँव में आके बस रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ की रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मज़ा आया वर्कआउट करने का, काफ़ी टाइम बाद वर्कआउट किया तो थोड़ा लाइट लाइट ही किया, क्योंकि अब 20 दिन के बाद मेरा वर्कआउट कर रहे हो तो और सी बात है आपको लाइट ही करना चाहिए। जाके फजूल में जोर मारने का, मतलब ज़्यादा वेट मारने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि मार तो लोगे आप मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। आपको किसी भी मसल में पेन हो सकती है और प्रॉब्लम हो सकती है ऐसी दर्द वाली, तो दैट्स व्हाई मैं नहीं चाह रही थी कि मुझे कहीं दर्द हो। सो अब मैं पहुँचती हूँ घर, कुछ खाती हूँ, क्योंकि जब मैं सुबह आई थी ना मुझे तभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, और मैंने सोचा मैं जिम से हुआ आती हूँ दिन सुबह आराम से खाऊँगी, क्योंकि वर्कआउट करने के बाद ना मतलब कुछ खाने का जो सुकून मिलता है ना, वाओ। तो बस वही देखो यार यहाँ से कैसे उतरे बंदा, आप कोई रोड की इन्होंने माँ बहन की है। देखो लुक नहीं डाली यार अब तक इन्होंने यहाँ पे, अंदाज़ा लगा सकते हो कि अभी मैं कहाँ पे हूँ। फ़िलहाल मैं हूँ अपने घर, कुछ थकान सी महसूस हो रही है, कुछ खाने का मन कर रहा है, मैं कुछ खाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मुझे कोई बेड पे आके कुछ पकड़ा जाए। सो यस गाइस मैं घर आ चुकी हूँ। सो ये पीछे चित्रकारियाँ दिख रही हैं, ये रोहान दिख रही हैं छोटे में, देखती हूँ किचन में जाके क्या बना है, खाते हैं फिर। क्या बना मम्मा? अच्छा अभी कुछ बना ही नहीं है। ओके दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट। सो आते वक्त मैं एक पैकेट मैगी का ले आई थी, तो मेरे जो भी कपड़े हैं वो मैं चेंज कर लेती हूँ फर्स्टली, बिकॉज आई फील सो टायर्ड। जब जिम से आई थी तो शायद बॉडी पम्प हुई हुई थी तभी इतना फील नहीं हुआ, बट घर आते ही इतना टायर्ड फील हो रहा है, आई कांट एक्सप्लेन। सो पहले तो कपड़े चेंज कर लेती हूँ, जब भी कपड़े चेंज करें तो अपने रूम के कर्टन्स आगे कर लें। सो I'm done. आज मुझे बहुत काम करना है, तो वेट करते हैं जब तक खाना बनता है। खाना बनता है फिर उसके बाद मैं कुछ खाती हूँ, मतलब बना था सुबह, मम्मा उठते हैं तो सानिया को चपाती वगैरह जो होती हैं वो बना के उसको टिफ़िन पैक करके देते हैं और वो खा के स्कूल चल जाती है, फिर उसके बाद पापा को दे देते हैं एंड फिर वो वापस बनाते हैं चपाती हमारे लिए, तो ऐसा सिस्टम चलता है घर पर। तो वेट करते हैं बनता है कुछ फिर खाते हैं, देन उसके बाद मैं बताऊंगी कि मुझे क्या काम करना है, आपके सामने ही करूंगी यार। आई एम सो सॉरी मैं सो गई थी, मैंने बताया था मैं रात भर सोई नहीं, मैं सो गई, मैं 4 बजे उठी हूँ, देखो यार क्या बनती हूँ। तो भूख लगी थी मुझे बहुत ज़्यादा, तो खाना खाने का मन नहीं था, सानिया ने मेरे लिए क्या बना के लाया, ओ ये बना के लाया, वाह यार सानिया ने यह बना के लाया मेरे लिए। गाइस मैगी में फ़ोन गिर, सॉरी गाइस मैगी में फ़ोन गिर गया गाइस। शाम के 6 बज रहे हैं एंड मैं बाहर आई हूँ थोड़ा ऐसे ही, अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो गई थी, थोड़ा घूमने आई हूँ मैं बाहर। सो मैं आपको पता है ना मैं घर जाके, मतलब मैं रात को सोई नहीं थी और मैं घर जाके सो गई और मैं 4 बजे उठी उसके बाद। मैं यहाँ आई हूँ ब्रिज पे, तो ये मेरे को काफ़ी एक अच्छी सी जगह लगती है, सो मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। वेट चेक आउट दी व्यू गाइस, वाओ मैं यहाँ आप लूंगी सुकून की सांस। ओह 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 इतना ज्यादा मजा आ रहा है, इतना ज्यादा मजा आ रहा है ना,
काश किसी ऐसी जगह पे मेरा घर हो। आगे हाय ये वादियाँ, ये पता नहीं क्यों मुझे ये इतना जो ऑसम लग रहा है यार। और ऑसम इसलिए लग रहा है क्योंकि ना मतलब आज ना थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है जरा जरा, ये देखो बूंदे बूंदे मुझ पर गिरी हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो अभी मैं सोचती हूँ मैं रील्स वगैरह कुछ बनाऊँ या फोटोज़ वगैरह लूँ, कोशिश करती हूँ लेने की, अगर आ गए अच्छे तो अच्छी बात है। तो और हाँ, मैंने आपको बताया नहीं कि मैंने आज एक्सरसाइज कौन सी की। मैंने आज जो थी मैंने चेस्ट की एक्सरसाइज की, कल है मेरी बैक की, तो वो भी मैं शेयर करूँगी कल आपसे। तो गलती मेरी है कि मैं मतलब मैंने सोचा था कि मैं आज काफ़ी कुछ करूँगी और मुझे काफ़ी काम भी थे जो मैं नहीं कर पाई क्योंकि मुझे नींद आ गई। तो अब मैं कल करूँगी वो सारे काम, तो इसलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।